हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू अवर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो लाया, उन बच्चों के लिए जिनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी अपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने में। तो वो मेरे से क्वेश्चंस कर रहे थे कमेंट करके कि हम कुछ चीज़ों पर हम एडिट नहीं कर पा रहे, अपनी करेक्शन नहीं कर पा रहे। तो मैं उनके लिए कुछ बताने वाला हूँ उनको कि किस किस चीज़ में आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं, और भी कुछ इस करेक्शन फॉर्म से जुड़ी हुई डिटेल बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास एक आर्टिकल है और ये NTA की तरफ से है। आर्टिकल NTA की साइट पर नहीं है, बट इसमें जो सारी बातें हैं वो NTA के अकॉर्डिंग लिखी हुई हैं खुद से। तो मैं बताता हूँ इसमें लिखा क्या है। द ऑनलाइन नीट 2019 फॉर्म करेक्शन फैसिलिटी हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन 14 जनवरी 2019 एंड लास्ट डेट फॉर द सेम इस 31 जनवरी 2019। सो आप उसकी अपनी करेक्शन करने के लिए 14 जनवरी से स्टार्ट हो गया था, हमने इस पर वीडियो बनाई थी, और 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो आप तब तक करेक्शन कर सकते हैं। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसकी करेक्शन कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद, रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डालने के बाद, तो मैं आपको बता दूं कि किस किस चीज़ में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। जैसे आप पूछ रहे थे कि हम अपनी ईमेल आईडी नहीं बदल पा रहे हैं, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो जो आप करेक्शन नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है ईमेल आईडी। आप अपनी ईमेल आईडी करेक्ट नहीं कर सकते फ्रेंड्स, जो आपने पहले दे दी थी, आप अपने सबमिट कर दी थी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सेकंड वन इज़ मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर भी आप कर सकते हैं इसमें। जो ये चार चीज़ें टोटल, तीसरी चीज़ है मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, और फोर्थ है चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो ये चार चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते। इनसे अलावा, इनके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो आप सारी चेंज कर सकते हैं। तो मीन्स ये चार चीज़ें, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर और चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, ये आप चेंज नहीं कर सकते। तो प्लीज़, जो ये हो सकता था आपने पहले जो आपने इसमें डिटेल भर दी थी वही रहेंगी, तो ये चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते। अगर ये आपकी गलत हो गई तो आप देखिए, वहाँ हेल्प सेंटर, जो नीट के पोर्टल में हेल्प वाला ऑप्शन है, वहाँ पर जाके आप इसको बोल सकते हो, उन्हें देखते हैं वहाँ से क्या रिप्लाई आता है। और अदर देन दीज डिटेल्स, यू कैन चेंज अदर इन्फॉर्मेशन इन द नीट 2019 एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो इसके अलावा आप सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। और इसके साथ ही नीचे एक नोट लिखा है, द फोटोग्राफ अपलोडेड बाय द कैंडिडेट विदाउट नेम एंड डेट एंड वाइट बैकग्राउंड आर एक्सेप्टेड, द एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी रिजेक्टेड इन दिस केस। ये इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो नोटिस, ये तो NTA की तरफ से नोटिस है। और तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप क्या क्या चीज़ें नहीं चेंज कर सकते नीट एग्जामिनेशन के फॉर्म में, करेक्शन में। और इसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार अपना नीट एग्जामिनेशन फॉर्म चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका सही है, बट फिर भी एक बार आप चीज़ें चेक कर लीजिए। और क्या, बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, जैसे फादर्स नेम की जगह मदर्स का नेम, मदर्स नेम की जगह फादर्स का नेम। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख सकते हैं कि कॉमन मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं। आपको ध्यान में नहीं रहा होगा, आपको लगता होगा कि हाँ है, मेरा फॉर्म एकदम सही है, बट कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। तो प्लीज़ एक बार आप चेक कर लीजिए, और ये वन टाइम करेक्शन है, और 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो गाइज़, ऐसी रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आती है तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।